इस वीडियो के बनाने में अमीर आदमी और उनकी टीम ने बहुत जान मारी है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। मशवरा है कि जब भी बैरियर टाउन में इन्वेस्ट करें तो अमीर आदमी से ज़रूर रब्ता करें। अमीर आदमी का कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अब्दुल्ला खान अमीर आदमी के प्लेटफॉर्म से डोमिनियन ट्विन टावर की साइट पर आज फिर एग्जैक्टली तकरीबन एक महीने के बाद तो जो एक महीने पहले हमने वीडियो मैंने आपको दिखाई थी उसमें हमने पूरा 4300 स्क्वायर यार्ड्स का जो प्लॉट है उसको पाइल करके नील कर दिया था और हम उसका वो जो टूटा हुआ हिस्सा है जो ऊपर निकला हुआ था पिलर्स का वो हम तोड़ रहे थे। अभी सिचुएशन ये है सिर्फ एक महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड द राफ्टिंग। 7 फुट ऊंचा राफ्ट हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। 80% तकरीबन कंक्रीट हो चुका है, पोर हो चुका है। मैं नीचे देखिए ये जंगला है जो 20% नहीं हुआ और ये पूरा 80% वो वहाँ तक हो गया, दीवारें खड़ी हो गई हैं। अभी मेरे पीछे जो आप पोरिंग देख रहे हैं ये हम कॉलम्स को उठा के उनकी शटरिंग करके कॉलम को फिलिंग कर रहे हैं, फिर ये खुलेगा और इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते के बाद पहली छत बेसमेंट की हम डाल देंगे अल्लाह के हुक्म से। तो चूंकि मैं आपको कहता आया हूँ शुरू से कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, इस प्रोजेक्ट में अपना घर बनाएं, दिस इज द ओनली सो फार दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट विच इज डिलीवरिंग विच हैज ऑलरेडी डिलीवर्ड 2 प्रोजेक्ट, दिस इज द 3rd one। ये सब मैं पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो देख लें डोमिनियन ट्विन टावर की, डोमिनियन 2 की 1 की, यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट द प्रोग्रेस और जो भी हम इस वक्त में और जो भी दावे हम करते आए हैं, मतलब दावा था, दुआओं की दरख्वास्त थी, दावा था आज जी के साथ। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग और आज यहाँ पे फिरते तुरते हैं थोड़ा, पिछले एक महीने में हमने क्या किया और अगले एक महीने में हमने क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, आ जाइए। आज तारीख है 19/9/2019, रात के 9 बजे हैं और पीछे काम की स्पीड आप देख लें। ये आप देख सकते हैं वो तमाम लोग जो के दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बड़े मज़बूत, लिटरली बहुत मज़बूत लोग हैं और ऑब्वियसली मेहनत कर रहे हैं ताकि हम अपनी कमिटमेंट पूरी कर सकें आपके साथ। आपका प्रोजेक्ट जैसे कि हमने कमिट किया है, आपकी चीज़, आपकी प्रोडक्ट, आपका घर आपको वक्त पे मिल जाए। इट्स अ वेरी टफ जॉब। और दिन रात काम हो रहा है, लिटरली दिन रात। मैं चूँकि इधर करीब ही रहता हूँ, बिल्कुल 200 गज़ के फासले पर मैं रहता हूँ, मेरा टावर है अपार्टमेंट में, तो मैं किसी भी वक्त यहाँ पर छापा मार देता हूँ, मैं आ जाता हूँ, देखता हूँ कि लौंडे लपाटे क्या कर रहे हैं। ये देखिए इस जंगले के नीचे लोग काम कर रहे हैं और इसने पूरा भरना है कंक्रीट के साथ और फिर बेस तैयार होनी है इसकी, और वही असल में टाइम टेकिंग काम है जो कि नियरली कंप्लीट है जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ उस वक्त। ये वाज अ ब्यूटीफुल इम्पैक्ट जी। मैं इस वक्त वो जो अभी ऊपर से आपको नेट दिखा रहा हूँ उसके नीचे मौजूद हूँ, यानी ये पूरा आयरन का नेट जो 7 फुट ऊंचा है, 1 फुट यहाँ से जमीन से और ऊपर मेरे ऊपर मैं 6 फुट का हूँ तकरीबन। और ये देखें ये सारा, ये मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ, इट्स एन एडवेंचर, आई एम एंजॉयिंग इट। आ जाइए। आज के दिन 7 अक्टूबर क्रेन लग चुकी है। पहले हम वो जो कंक्रीट हो चुका हिस्सा उसके नीचे फिर रहे थे और एकदम से एक ब्रिलियंट जंप, अभी वो कंक्रीट हो चुका, ये क्रेन और यू कैन सी द डिफरेंस 10 दिन के अंदर। और ये देखें मज़बूती,
निकलना सरिये का कंक्रीट से सुनते आए थे, लेकिन बड़े मजबूत होकर तेरे कूचे से हम निकले। यू नीड टू विजिट टू विटनेस के कितना मजबूत स्ट्रक्चर है, कितनी मेहनत हो रही है इस जाल बिछाने में, जाल को भरने में। इस एक महीने में जितना फर्क पड़ा है, इट्स अमेजिंग। आई एम वेरी हैप्पी दैट द गाय इज मूविंग देयर। जी इसको कहते हैं टोटल स्टंट। ये मैं जा रहा हूँ नीचे, कितना नीचे, लेट्स सी, और कहाँ से आ रहा हूँ ये देख लें। जस्ट लुक एट दिस, आई एम लविंग माय जॉब। ये अभी मैं इस वक्त, अगर आप मेरे नीचे देखोगे तो ये सारा कंक्रीट है। दिस वाज द वेरी फर्स्ट पार्ट, वो जो मैंने आपको रात को दिखाया था, जिस जंगले के जाल के नीचे से मैं गुजर रहा था, ये अब कंक्रीट हो चुका पूरा। और इसका सेकंड पार्ट वो उस तरफ, वो भी कंक्रीट हो चुका। अब ये थर्ड पार्ट है जिसमें मैंने कहा कि थोड़ा सा फास्ट करें काम को, तो ये थर्ड पार्ट है जो यहाँ से लेके वहाँ तक है। और ये अगर मैं इधर चलूँ तो ये देख लें, इसके नीचे असल में मैं घूम रहा था, ऐसा एक स्ट्रक्चर था जिसके नीचे मैं घूम रहा था, ये देखें। और अभी ये वहाँ से वहाँ तक चल रहा है, अभी इस पर भी कॉन्क्रीट भर जाएगा। दिस इज द बेस, दिस इज द राफ्ट, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड राफ्ट। और इसके ऊपर ये पिलर खड़े होने शुरू हो जाएंगे। वालेकुम सलाम बाबा जी, कैसे हैं आप? तो देखते हैं, घूमते फिरते हैं। हाँ जी, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सारी डिटेल डाल देता हूँ कि क्या कीमत है, क्या इंस्टॉलमेंट्स हैं, किस तरह से आप पे कर सकते हैं। बुक करने के लिए मेरा नंबर मौजूद है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 5 महीने इसको हो चुके हैं, 5 महीने की प्रोग्रेस आपके सामने है। आर टीम इज़ रियली कमिटेड टू डिलीवर यू ऑन टाइम। वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 2 प्रोजेक्ट्स डोमिनियन 1 और 2 के नाम से। बहरिया टाउन के अंदर कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो डोमिनियन ब्रांड को नहीं जानता, जो डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 को नहीं जानता, 2 को नहीं जानता। दोज आर द कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। ये पहला प्रोजेक्ट है जो रेजिडेंशियल है, और इसकी स्पीड, इसका कोई सानी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देर इज़ नो ऑल्टरनेट, देर इज़ नो कंपेरिजन ऑफ आर काविश। अब हम एफर्ट कर रहे हैं, आपकी दुआ चाहिए। ये अब 10 दिन के बाद 17 अक्टूबर रात 10:30 बजे का वक्त है, और काम नहीं रुकता, काम नहीं रुकता, अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। ये जो जिधर तक आपने एक प्रोग्रेस देखी थी, अब उसके आगे की सतह पोर हो रही है। और अभी जब मैं आप से बात कर रहा हूँ, यानी इस वक्त 1 नवंबर है, आज थीम पार्क की ओपनिंग हुई है, इसीलिए मैंने ये वीडियो डिले की थी, इसीलिए मैं वेट कर रहा था। थीम पार्क आज ओपन हो चुका है, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल थीम पार्क के सामने है, एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ थीम पार्क। दिस इज़ कॉल्ड थीम पार्क कमर्शियल। इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना इज एग्जैक्टली एज यू इन्वेस्टिंग इन योर फ्यूचर। इफ़ यू बिल्ट योर हाउस ऑन अ वेरी गुड लोकेशन बैरिया टाउन, इफ़ यू नीड टू इन्वेस्ट in very good location in Berea Town in a reliable project, Dominion Twin Tower is the one, is the only one I can say. ये देखें, अब ये अगला पार्ट है उसका जो कि पोर हो रहा, ये इसमें कंक्रीट भरा जा रहा है 7 फुट ऊंचा।
17 तारीख की अपडेट आप देखिए, आज 25 तारीख की अपडेट है। ये देखिए जिस जगह पर कंक्रीट भरा गया था, ये आगे वाली जगह, ये अब सख्त हो चुकी, इसके ऊपर पिलर खड़े होने लग गए। और जो एरिया, जो इसकी साइड जो पहले से कंक्रीट हो चुकी थी, उसके ऊपर अब कॉलम्स लगा जा रहे हैं। ये कॉलम्स की शटरिंग हो चुकी है और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कॉलम पोर हो रहे होंगे। और आज 1 नवंबर को जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हम रेडी हैं पहले इस वाले हिस्से का लेंटर डालने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लुक एट दिस, ये ऊपर मशीन खड़ी हैं, गाड़ियां जो कि पोर करेंगी इसमें कंक्रीट। अगर आपको अभी भी लाइक किसी भी किस्म का डाउट या किसी भी किस्म का सवाल आपके जहन में है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना शक शुबा दूर कर लीजिए। और आई एम हाईली रिकमेंड, मैं पिछले 5 माह से हर महीने इसकी अपडेट डाल रहा हूँ और पूरी तमाम वीडियोज़ को देख के यू कैन सी द डिफरेंस जो इन 5 महीने में इम्पैक्ट नज़र आएगा आपको। इसके अलावा एक वीडियो मैं और प्रिपेयर कर रहा हूँ, जब मैं क्रेन के ऊपर चढ़ के आपको ईस्ट और वेस्ट पे दिखाऊंगा कि क्या लोकेशंस आपको मिल सकती हैं, किस बुकिंग पे, किस अपार्टमेंट की कौन सी साइड बुक करवाने पर। ये इस गाड़ी के ऑपरेटर साहब खड़े हैं जो कि यहाँ से देखकर ऑपरेट कर रहे हैं। इन्हीं को यहाँ से ये लेबर इंस्ट्रक्शन देती है कि अब पोरिंग बंद कर दो या अब शुरू कर दो। ये लुक एट दिस, ये दूसरी गाड़ी है, इसके ऑपरेटर भी ये भाई साहब ये खड़े हैं, इनके हाथ में ये रिमोट है। तो शाम होती जा रही है और लाइट खूबसूरत होती जा रही है। ये साइट इंजीनियर साहब हैं, ये कहते हैं आज मैंने शेव नहीं की हुई अब्दुल्ला भाई, फिर किसी दिन इंटरव्यू करते हैं, मुझे इनका इंटरव्यू करना था, मुझे पूछना था कि अगले 1 महीने में इन्होंने क्या करना है। तो हे वी गो, वापसी ऊपर की तरफ आ गया हूँ मैं वापस। ये फाइनल इम्पैक्ट जो कि राइट नाउ आई कैन प्रेजेंट यू, ये आपके सामने है, कॉलम्स फिल हो चुके। और अभी जब मैं आपसे 1 नवंबर को बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अकॉर्डिंग, तो ये कॉलम्स, ये शटरिंग उतर चुकी है, ये कॉलम पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और अब वी आर रेडी टू बेस द लेंटर। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, डू कंसिडर इट। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। The wait is over. Bahria Town Karachi welcomes you to the grand opening of Pakistan's first international standard theme park with an extensive range of imported rides. Bahria Adventureland with grand fireworks, 1st November 2019. A world of thrill, adventure, and family entertainment awaits.